नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं इस हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएमआई का। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी लाइव क्लासेस की है। ये संडे का दिन है और सुबह 9 बजे मैं भी एक सेशन ले रहा हूं, जिसमें हम वीवीएमआई माइक्रो प्रोग्रामिंग का टॉपिक कंडक्ट करेंगे। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे फ्यूचर में वीडियो अपलोड होंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ में चाहो तो हमारी डेमो क्लासेस का भी रिक्वेस्ट फॉर्म भर के हमारी डेमो क्लासेस भी ले सकते हो। यूट्यूब पे हमने प्रमोशनल्स वीडियो अपलोड किए हुए हैं, कंप्लीट नहीं है, उससे आप थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एक वीवी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु वगैरह ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लासेस लेना या एक्सेल की एडवांस एक्सेल की क्लासेस लेना, तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए और डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें, और मेरा नंबर भी सेव कर लें। इन फ्यूचर में कभी भी किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे टेलीफोनिक सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल हमने फॉर्म पढ़ा था, और फॉर्म के अंदर में मैंने आपको डेटा एक शीट से दूसरे शीट पे जाने का मेथड बताया था, ठीक है। तो उसमें उसमें क्या है कि आपने जो भेजा उसमें प्रॉब्लम क्या था कि उसमें उसे फॉर्म 22 ये खुलता है जाइए किसी और बैच का। जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने आपके बात डिस्कस किया कि मैं यहाँ पे पूजा, यहाँ पे मैं रोल नंबर 1, सॉरी, और मार्क्स यहाँ पे मैं 55 डाल दूं, और जैसे मैं सेंड क्लिक करूं तो एक पॉपअप आए। अब जैसे कि ये कंडीशन लिख रहा है दिस रोल नंबर हैज अ स्टोर, तो इस तरह के कंडीशंस लगाने हैं ताकि डुप्लीकेसी ना हो, ब्लैंक ना हो। डेटा यहाँ इसके नीचे स्टोर हो गया, राइट? अच्छा, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा कि डेटा को कैसे भेजेंगे। अब इसमें हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो हम चाहें तो भेजे, या किसी तरह का और एक्स्ट्रा करिकुलम जो है उसमें ऐड करना। तो कल की क्लास में हमने ये बताया कि एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा को कैसे भेजेंगे, मैसेज से कंफर्मेशन कैसे लेंगे, और वापस को हम क्लियर कंटेन कैसे। ठीक है, तो ये कोड क्या कर रहा है कि अगर हम किसी फॉर्म पे, मतलब किसी एक सीट पे एक फॉर्म टाइप का मैंने बना लिया, तो छोटा सा मैंने बताया था, और हम जैसे कि रोल नंबर डाल दिए, मार्क्स डाल दिए, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूं तो ये डेटा को भेज दे यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा करूं तो इसके नीचे, तीसरा करूं तो इसके नीचे, इस तरह से डेटा को स्टोर करें, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर को फॉर्म में होता है, ठीक है? ओके। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है, तो ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि मैं ब्लैंक कर दूं तो ब्लैंक को भी भेज देता है। अभी जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे रोल नंबर 2 कर दिया और मार्क्स यहाँ पे मैंने कर दिया 85। देखिए इसमें क्या गलती होगी, यहाँ पूजा 1 और 60 है ना, जैसे मैं सेंड पे क्लिक किया कि क्या किया, देखिए आप, पूजा 2 और 85। अच्छा, वैलिडिटी रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने कोड लगा रखा है कि नेम के बिहाव पे, नेम के बिहाव पे एंट्री कर, ठीक है। जब इसके पास नेम कुछ नहीं था तो ये नीचे से ऊपर गया और यहां पे राइट कर दिया, बराबर, ठीक है। हेलो जी, हाँ हाँ, तो बोले बोले ना, तो लीजिए, तो ऑनलाइन थी तो उनको बोलना चाहिए, समझ में नहीं आवा तो समझा दूंगा, तो पूछता हूँ समझ। देखिए सुनिए 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 सुनिए, फर्स्ट क्लास बैंक रहेगा तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हम चलिए अपने माइक्रो में एडिशंस करते हैं। अब मैं यहाँ पे इफ, हमने यहाँ पे किया इफ,
रेंज रेंज और यहाँ पे आ गया बी टू डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू माफ कीजिएगा इक्वल टू जीरो देन मैसेज दे एम एस जी बॉक्स और यहां पे दे एंटर नेम प्लीज या कुछ भी मैसेज दे दीजिए अपने हिसाब से और यहां पे एग्जिट सब करना क्यों जरूरी है और लिखो भी फॉर्म बना के भेजा नहीं तो भूल ही गया था कल तो बोला था ये फॉर्म बना के भेजने के लिए मुझको बोल रहे हाँ आप ही है ना क्लास में कोई और तो नहीं है शॉपिंग और ईद तैयारी चल रहा था उतना टाइम कल तो आपका ईद भी है कल परसों रहेगा मुंबई में बैठे बना आता बिरयानी खाने के लिए आइए ना सर कभी भी आइए तो यहाँ पे समझ में आ गया एग्जिट सब हमने क्यों किया क्योंकि यहाँ पे मैक्रो को रोक दे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे की चीज को कंटिन्यू करता ही रहेगा तो अब जैसे यहाँ पे नेम ब्लैक होगा सेंड पे क्लिक करूंगा तो एंटर नेम प्लीज आ गया तो यहाँ पे आपका सिंगल हमने यहाँ पे लगाया सिंगल कंडीशन तो सिंगल कंडीशन में हमने बोल दिया इक्वल टू जीरो ठीक है इक्वल टू जीरो और यहीं पे मैक्रो को एग्जिट कर दे रहा है मैं समझते लेकिन मैं चाहता हूं कि तीनों में से कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए अगर तीनों ब्लैंक है तो दिक्कत हो सकती है तो उस केस में यहां पे हम लगाएंगे और ठीक है रेंज यहां पे बी कौन सा है हाँ बी फाइव बी एट डॉट एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या हाँ डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो यहाँ पे और क्यों लगाया क्योंकि तीनों में से कोई एक भी ऐसी सिचुएशन को फॉलो करेगा तो मैसेज दे दे बी एट डॉट वैल्यू ठीक है तो तीनों में कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए अगर नहीं तो यहाँ पे इसमें पूजा डाल दिया और मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स डाल दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको अब यहाँ पे मेल आ गया यहाँ पे मेल तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं कि प्लीज प्लीज फिल ऑल बॉक्स या फिल जो कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है हाँ ओके अरे ये समझ में आ गया हाँ समझ में आ गया चलो आगे बढ़े इसमें अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा आ रहा है और नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि हमारा रोल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए कि जो रोल नंबर हमने डाल दिया वो रोल नंबर रहे कोई और रोल नंबर यहां पे नहीं है तो वी कैन नॉट रिपीट द रोल नंबर तो ए रोल नंबर इसमें है कैसे पता चलेगा बी कॉलम में हम वी लुकअप लगा सकते हैं मैच लगा सकते हैं लेकिन वी लुकअप और मैच में एरर आने के चांसेस हैं तो वी लुकअप मैच को ना करके हम सीधे करेंगे काउंट इफ काउंट भी तो ढूंढ के देगा तो काउंट में अगर नहीं होगा तो जीरो आएगा होगा तो जितना बड़ा होगा उसका नंबर आएगा तो इसमें एरर एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हम काउंट इफ डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो कल क्या बताया था कि एक्सेल बीवी फंक्शन को हम लोग एप्लीकेशन पे लगाते हैं तो यहां पे देते हैं अगर हम वेरिएबल लाना चाहें तो एक वेरिएबल डाल देते हैं यहां पे कि ए इक्वल टू
application dot worksheet function dot counting, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा रेंज, ये रेंज कौन सा, तो शीट्स का, तो शीट्स डेटा डॉट रेंज बी बाय बी और रेंज B5 की वैल्यू को मैच करना, समझ गया। अब यहां पे हम देंगे फॉर्मूला, यहां पे देंगे हम इफ का, कि इफ अगर A इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन जीरो, अगर ए जो है ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पे मैसेज देना है कि एमएसजी बॉक्स मैसेज डालना है कि दिस रोल नंबर ऑलरेडी स्टोर या कुछ भी लिख दीजिए, और फिर एग्जिट सम करना, एग्जिट सम करना ना भूलें, और फिर यहां पे एंड इफ, ठीक है। तो इस तरह से आगे अपने हिसाब से कंडीशन लगा सकते हो लीजिए। हाँ तो लगा सकते हैं। अब चलिए कंडीशंस को सही से समझते हैं, ठीक है। कंडीशन को सही से समझते हैं, जैसे कि हमने यहां पे वैल्यू लिख रखा है, मैं चाहता हूं कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है, जो ग्रेटर देन 500 है तो यहां पे जो है 5000 आ जाए, अदरवाइज 5000 आ जाए। सिर्फ मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे अगर जितने भी 800 से ऊपर है तो 5000। तो यहां पे हम सब आर आर वाई के ओपन एंड क्लोज करते हैं और कंडीशन समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैंने बोला कि इफ रेंज, देखिए यहां पे क्या है, सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट, राइट। तो यहां पे हमारा एच वन, तो एच वन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 500 देन रेंज, इसके बाद क्या आता है आई, I वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 500। तो सिंगल आपके पास अगर किसी मतलब की कंडीशंस पे सिंगल कंडीशन पे अगर रिजल्ट सिंगल है आपका, तो आप जो है उसको सिंपल एक कंडीशन उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी सर। ओके, डाउट इसमें, अब जरूरी कि सिंगल कंडीशन भी हो, कंडीशन अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक जाना चाहता हूं कि 500 टू 800 है तो 500 टू 1000 दो कंडीशंस है हमारे पास बिटवीन का, फिर भी आप डाल सकते हैं एंड करके कि एंड, मतलब एक्सेल में ऐसा कंडीशन लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट रहेगा ना। हाँ, पर इसको रेंज डिफाइन करना पड़ेगा और कहां पे वैल्यू चाहिएगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी क्या है, अब आपने इससे ऊपर देखा, जब हमने कंडीशन लगाया तो इस तरह से उसको तोड़ के एंड इफ किया, बट यहां पे एंड इफ मैंने नहीं किया। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास सिंगल रिजल्ट है तो आपको नीचे एंड इफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां पे देखिए दो रिजल्ट है, एक मैसेज बॉक्स देना है, दूसरा एग्जिट सर्व करना है। अगर सिर्फ मैसेज बॉक्स देना होता या एग्री सब करना होता तो फिर मैं इसी के आगे लिख देता। अब जैसे कि यहां पे कंडीशन आ गया कि भाई एल्स का, कि अगर तो ये मान लीजिए कि सेम कंडीशन है कि अगर 500 टू 1000 हुआ तो 5000 देना है रेंज ए वन पे, अदरवाइज जीरो देना है, अदरवाइज 500 देना है,
तब मुझे इसको यहां से ब्रेक करना पड़ेगा और यहां पे एल्स लगाना पड़ेगा फॉल्स पार्ट के लिए, ठीक है, फॉल्स पार्ट के लिए एल्स लगाना पड़ेगा और फिर एंड इफ करना पड़ेगा। तो इफ का कंडीशन यही होता है कि इफ कंडीशन ट्रू रिजल्ट्स एल्स एंड फॉल्स रिजल्ट्स, ठीक है। तो इफ कंडीशन ऐसा लगता है। अब इसमें अगर आपको ज्यादा कंडीशन लगाने हैं तो एंड का इस्तेमाल कर सकते हो और का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड का इस्तेमाल करेंगे जहां पे मुझे रिक्वायर हो, तो एक से और किसी कोई बाहर आया हो, ओके, सॉरी सर। तो ये आपने, मैंने बताया आपको कि इस तरीके से हम एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एल्स कंडीशन, मतलब कंडीशन जो है हमारे पास दो इफ लगाना हो, कि जैसे कि मान लीजिए ना कि यहां पर दो नंबर्स है हमारे पास कि G1, यहां पे कि अगर G1 में ग्रेटर देन 50 हो और G2 में ग्रेटर देन 60 हो तो फलाना चलता है, अदरवाइज चलता है। दो कंडीशन है तो एंड तो लगा ही सकते हैं आप, यहां एक नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं कि इफ रेंज, हमने बोल दिया इट्स G1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 दैन का स्पेलिंग मिस्टेक ना, और अगेन इफ रेंज H1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 500 दैन, क्या हुआ? यहां पे I1 में एंड इफ और फिर यहां पे एंड इफ, फिर यहां पे एल्स और यहां पे भी एल्स लगा सकते हो। अगर कंडीशन एल्स में है तो नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं जो जो फर्स्ट में अपने एंड इफ लगाया है उससे पहले ही एल्स आएगा ना? नहीं समझे, ये जो एल्स है हमारा इस सेकेंड इफ का है, ठीक है, और ये जो इफ नीचे वाला एल्स जो है ये हमारे फर्स्ट इफ का है। फर्स्ट इफ के ट्रू पार्ट में हमारा दूसरा इफ है, समझे। और इसके अगर आपके पास कंडीशन है तो इसके फॉल्स पार्ट में भी दूसरा इफ लगा सकते हो। जितनी कंडीशन देगी उतना ये लगेगा एडी पैडी। हाँ हाँ, अब एल्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने इंसेंटिव वगैरह ध्यान नहीं किया था, इंसेंटिव वगैरह आपने पढ़ा होगा बीबीए में कि अगर जीरो जीरो से लेके 40 तक हो तो 41 से 80 तक हो, 81 से 100 तक हो, हमने पढ़ा था ना। तो इसको अगर करना चाहो तो इसको हम एल्स इफ एल्स में करते हैं, ठीक है ना। इफ एल्स हम देंगे कि इफ, अब जैसे अब यहां इस तरह के इफ वैल्यू लगानी हो तो वेरिएबल्स लेना जरूरी है,
तो यहां पे सेल्स इज इक्वल टू मैं कर देता हूं रेंज, और रेंज में डाल देता हूं एच वन की वैल्यू, एच वन डॉट वैल्यू। और यहां पे इफ एस इज हमने बोल दिया लेस देन इक्वल टू 40 देन यहां पे रिजल्ट आर इक्वल टू मान लीजिए 5000। फिर यहां पे आएगा एल्स, एल्स इफ एस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 80 देन एल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है ना, हमने बताया दिल्ली सर, ठीक है। फिर आर इक्वल टू 1000, फिर एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 100 देन आर इक्वल टू 1500 या 2000। और फिर यहां पे एल्स लगाना है, एल्स लगाइए या फिर एंड इफ, समझे, क्लियर है सर? नहीं देरी समझ नहीं, क्या दिक्कत है ये? इसमें इसमें ऊपर जो देखा आपने, ऊपर क्या था कि एक इफ का रिजल्ट दूसरे इफ, दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में था, यहां पे हमने फॉल्स पार्ट में, तो हमने नेस्टेड इफ लगाते हैं ना, नेस्टेड इफ लगा कि इफ अगर एस ग्रेटर देन 40 है तो आर इक्वल टू 5500 दे और यही पे इफ को खत्म कर दे, ठीक है। आगे कंडीशन चेक में मतलब क्या हुआ ना कि अगर हम एक सीक्वेंशली कंडीशन चेक करते हैं और मुझे करना है कि अगर मुझे कंडीशन मिल गया तो मुझे आगे कंडीशन को चेक नहीं करना है, बात समझे, कि मेरे पास 50 कंडीशन चेक करने हैं तो मैं पहले से शुरू करूंगा, पहला कंडीशन मुझे मिल गया तो बाकी 49 कंडीशन में चेक नहीं करने, छोड़ देना, समझे। तो एल्स इसमें लगा कि अगर पहले ही इसको आर 40 मिल गया, 40 से नीचे मिल गया तो ये पूरी वैल्यू को स्किप कर देगा, इसको चेक नहीं करेगा, अगर नहीं मिला तो फिर इसमें चेक करेगा कि लेस देन 80 है, 80 मिला तो रिजल्ट शो करेगा और यहां से इग्नोर कर देगा, बाहर आ जाएगा, इसको नहीं चेक करेगा, समझ गया, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल जो करते हैं ना उसके करते हैं, अगर इसमें दिक्कत हो तो एक काम इसके लिए केस लगा सकते हो, जैसे एस इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया है ना, एक को भी कर लेते हैं हमें, एस इक्वल टू आपने रेंज वन की वैल्यू स्टोर कर दिया इस पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट केस, यहाँ पे केस विथ एस, ठीक है, और यहाँ पे केस केस 0 to 40 रिजल्ट आर इक्वल टू 1000 या 500 जो भी है, फिर केस 41 to 80 आर इक्वल टू 1000, ठीक है, केस 81 to 100 तो R इक्वल टू, जब लेंथी कैलकुलेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, केस ग्रेटर देन लेस देन देना हो वो भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 100 तो R इक्वल टू 5000, यहां पे एंड कर, समझ गए। और फिर लास्ट एंड इफ यू होगा, एंड सिलेक्ट होगा, तो सिलेक्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो जब आपके पास कुछ लेंदी हो, जैसे मान लीजिए मुझे 10 चेक करना है, 10 नंबर चेक करने के, 40 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 65, 20, 25, ऐसे करीब 10 वैल्यू को चेक करना है, तो इसमें आपको 10 बार इफ लगाना पड़ेगा ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि 40, 55, 65, 70, 80,
ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन जो है वो भी लगा सकते हो, उसके बाद आप बिटवीन 0 to 5, 0 to 100 वो भी आप लगा सकते हो, और कॉमा करके आप यहाँ और में भी लगा सकते हो, तो ये बेटर रहता है आपका, क्या बोल रहे हैं? तो ये बेटर है ना इफ से? हाँ इफ से बेटर है। हाँ तो इसका यूज हो आप नंदी कैलकुलेशन में कर सकते हो। तो आज मैंने इसमें आपका सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका कंडीशन कंप्लीट हो गया। कंडीशन का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं अभी तक नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। ओके, अब चलिए डेटा टाइप के बारे में जानते हैं। अभी देखा आपने आर है, आपने एस है, ये चीज आपने देखा ना, तो मैंने ऐसे ले लिया, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या, इसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसको डिफाइन करके लेते हैं, इसके डिम आर एज ए हमने बोल दिया इंटीजर। तो डिम फॉर डायमेंशन, सिस्टम को पता चला कि एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसका नाम आर है और जिसका कास्ट इंटीजर है। ठीक है, तो आर अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, कास्ट भी अपने हिसाब से जो चाहो रख सकते हो, जो भी सिस्टम डिफाइन है। तो एक कास्ट क्या होता है? ठीक है, कास्ट मतलब क्या हुआ कि इंटीजर हुआ तो आर के ऊपर अब सिर्फ इंटीजर वैल्यू अपाइन होगा, इसमें डेसिमल नहीं लेगा, 32,000 से ऊपर की वैल्यू नहीं लेगा, समझे? तो 32,000, हाँ नंबर 32,000 समथिंग से ऊपर नहीं लेगा, जैसे कि इसे अलग अलग है, जैसे हमने आर इक्वल टू बाइट कर दिया, ठीक है, तो बाइट कर दिया तो आप आर के ऊपर इक्वल टू 0 से लेके 255 तक की वैल्यू डाल सकते हो, माइनस नहीं डाल सकते हो, डेसिमल नहीं डाल सकते, डालोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर आएगा। फिर अगर आपने डिम आर एज ए इंटीजर कर दिया, अब देख मैं एक ही ले रहा हूं लेकिन एक नाम से दो लेवल नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं सिर्फ, तो अच्छा। इसपे आप नंबर अपने हिसाब से, नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हो बड़ा नंबर, लेकिन इसपे भी डेसिमल नहीं डालोगे तो डेसिमल को इग्नोर कर देगा, और माइनस इसमें, इसमें आप माइनस डाल सकते हो लेकिन 32,000 समथिंग तक ही डाल सकते हो। ठीक है, तो बाइट से थोड़ा बड़ा है, और इसके अंदर दो फीचर है, एक है कि माइनस भी लेता है। फिर आगे बढ़े, डिम आर एज ए हमने कर दिया लॉन्ग, लॉन्ग के अंदर क्या है कि इंटीजर से बड़ा, इसमें करोड़ों में नंबर डाल सकते हैं, करोड़ों खरबों में नंबर आप डाल सकते हैं, लेकिन माइनस और प्लस दोनों में, लेकिन इसमें डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है, इसमें आप डेसिमल्स नहीं डाल सकते, समझ गए? अच्छा, इसमें डेसिमल नहीं डाल सकते लॉन्ग। और सबसे बड़ा है इसमें डिम आर एज ए डबल, डबल में डबल की साइज भी सबसे ज्यादा है, और ये डेसिमल जो एक्सेप्ट करता है माइनस प्लस करता है। तो नंबर डालने के लिए चार कास्ट है, बाइट इंटीजर लॉन्ग डबल, बाइट सबसे छोटा है और डबल सबसे बड़ा है, समझ गए? ये चारों कास्ट समझ आ गया? ठीक है, ये चारों नंबरिंग के लिए, नंबरिंग के लिए। उसके बाद आता है, एक आता है डिम आर एज ए बुलेन, बुलेन का यूज होता है जब आपको ट्रू एंड फॉल्स डालना, डिम आर एज ए डेट, डेट डालना, जैसे आपने अभी डेट डिफाइन कर दिया तो आप इस यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से डालोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आता है डिम आर एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो हुआ उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग, बट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, वो उसके ऊपर जो है कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है, कैलकुलेशन जो है, हाँ कैलकुलेशन नहीं करेगा, मतलब ये टेक्स्ट में भी, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में भी आएगा और नंबर्स में भी रहेगा, हम तो उसका कास्टिंग हो गया, अगर आपने वन डाल दिया तो वन नंबर इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, वन में कुछ प्लस करने जाओगे तो प्लस नहीं हो, ठीक है? ओके,
समझे। और एक आता है आपका इसमें डिम आर एज ए ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, वेरिएंट। वेरिएंट ए भी है कि जैसे हमने यहां पे लिख दिया ना आर, बिना डिफाइनिंग के लिख रखा है एस, तो ये सारा वेरिएंट है। तो वेरिएंट क्या होता है कि इसके ऊपर आप जैसा डालोगे अपने आप को वैसा चेंज करता है। अगर आप इसमें टेक्स्ट डाला तो टेक्स्ट बन जाएगा, अगर आप स्ट्रिंग नंबर डालोगे तो इंटीजर लॉन्ग डबल बन जाएगा, टू पॉइंट डालोगे तो बुलेट बन जाएगा, डेट डालोगे तो डेट बन जाएगा। अब बोलोगे सर इतना झमेला है तो मैं ऊपर इतना सारा क्यों करूं, मैं हर जगह वेरिएंट यूज क्यों ना करूं, समझे? बराबर लॉजिक। तो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें इसमें क्वेश्चन उठता है। एक कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करें, हम डायरेक्ट बुलियन इस्तेमाल करें, वेरिएंट इस्तेमाल करें, अलग अलग क्यों इस्तेमाल करें। तो दो प्रॉब्लम है। पहले कि वैलिडेशन, कि अगर मान लीजिए किसी से आपको नंबर ही एंट्री करवाना है, वो भी राउंड फिगर, आपने ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है और यूजर से इनपुट लेना चाहते हो कि भाई नंबर और राउंड फिगर में दे, तो अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, तो अगर सबसे पहले कि अगर किसी ने आर पे टेक्स्ट स्टोर कर दिया, अगर इंटीजर डिफाइन कर रखा आपने, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने टेक्स्ट को अगर आपने इसमें स्ट्रिंग में डाल दिया, सॉरी आपने इंटीजर डिफाइन कर रखा है, उसमें टेक्स्ट डाल दिया तो एरर देगा, अगर आपने डेसिमल डाल दिया तो उसको राउंड कर देगा। तो आपका वैलिडेशन हो गया ना, कि जिस तरह की वैल्यू आप चाहते हो उस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। दूसरा आता है कन्वर्टर, जैसे आपने टेक्स्ट डेट को जिस फॉर्मेट में डाले वो अपने आप को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, तो आपका वैल्यू कन्वर्ट भी हो रही है। और तीसरा होता है कि इजी टू कैलकुलेशन, कि आपने देखी है ना कि ऊपर कितना इजीली कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रोग्रामिंग में ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना करे। जैसे आप ये देखिए ना कि यहाँ पे हमने इतना सारा ये रखा ना कि यहाँ सीट ले रखा है, यहाँ ले रखा है, तो इसमें थोड़ा सा और बड़ा होता तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती कि नहीं हो जाती। तो मैं यहां पे कर देता हूं कि डिम, यहां पे एक और होता है देख लीजिए कि डिम आर एज ए रेंज, हमने किया कि सेट आर इक्वल टू, और हम इसको ले लेते हैं यहां आर डाल देते हैं, यहां सेट असाइन कर देते हैं। अब मुझे कहीं भी लेना हो तो इतना लंबा माना इसकी तो चलो ठीक छोटा है, हो सकता है वर्कबुक का नाम बड़ा हो, वर्कशीट का नाम, वर्कबुक का नाम इन साथ इंक्लूड हो जाए, तो आप उसको हमने आर असाइन करते। इसके आप ऑब्जेक्ट एक आ गया आपका नया डेटा ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे रेंज, वर्कबुक, सीट, ये भी आप इस पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए पहले सेट लिखना पड़ेगा। हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट करते हो तो आपको सेट लिखना पड़ेगा इक्वल, जिससे डेटा को हम डायरेक्टली स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमें स्टोर करना, ठीक है? अब क्वेश्चन उठता है कि हम वेरिएंट क्यों ना लें। तो आप इस बात को जानते हैं कि एक्सेल में या कंप्यूटर पे कुछ भी इवेंट होता है तो एक मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर होता है, ठीक है? मेमोरी के अंदर में एक स्पेस को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, राइट? हाँ बराबर। तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर में क्या होता है कि अगर बाइट लेते हो तो एक बाइट का स्पेस आएगा, इंटीजर लेते हो तो दो बाइट का, लॉन्ग लेते हो तो चार बाइट का, डबल लेते हो तो आठ बाइट का, और वेरिएंट एक्चुअली 16 या 32 बाइट लेता है, याद नहीं है लेकिन इसी आसपास लेता है उससे ज्यादा। तो आप बोलोगे कि यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो रैम 8 GB की है, हार्ड डिस्क
1 टीवी 2 टीवी है तो बाइट से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो वही हो गया ना, फुटबॉल के मैदान में सुई को सुई के स्पेस के लिए बात कर रहे हैं आप, क्या फुटबॉल के क्रिकेट मैच के फील्ड इतना जगह है आप पता है सुई के लिए जगह दो क्या? तो होता क्या है, एक मैक्रो जो आप बनाते हैं, एक सब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया, जैसे जो भी एक सब्जेक्ट आप क्रिएट किया, जैसे मान लो मैंने आरआर क्रिएट किया, तो एक्सेल ने इसकी मैक्सिमम साइज डिफाइन कर रखी है 255 KB। तो छोटे मोटे मैक्रो में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े मैक्रो में साइज का फर्क पड़ जाता है। तो अगर उसकी साइज 255 KB से बड़ा हुआ तो प्रोसीजर टू लार्ज कहलाएगा। तो वेरिएबल्स हम 1, 2, 3 कारणों से इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? ओके, हाँ ठीक है। वेरिएबल्स को हम लोग 2-3 कारणों से इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, ये वेरिएबल समझा। ठीक है, तो कंडीशंस आपने समझ लिया और आपने समझ लिया वेरिएबल्स, दो टॉपिक्स क्लियर है। वेरिएबल्स अच्छा है, वेरिएबल समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया। कंडीशन में थोड़ा डाउट है। कंडीशन में प्रैक्टिस की चीज है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में आपको नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं रेंज की फॉर्मेटिंग करना, कॉपी रेंज की फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, या कॉपी पेस्ट करना वगैरह वगैरह। चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब एक एरिया को कॉपी और पेस्ट करना तो मैं बताया था लास्ट क्लास में। कॉपी पेस्ट बराबर, तो कॉपी देखिए, अगर आपने कर दिया, मान लीजिए कि सिलेक्शन या रेंज से ले लिया कि सिलेक्शन डॉट कॉपी कर लिया, तो आपको पेस्ट करना है। तो पेस्ट होता है सीट का पार्ट, कि आप जिस एरिया पेस्ट करना चाहते हो, कि सीट्स हमने बोल दिया डेटा डॉट सेलेक्ट, उस सीट पे पहले आपको जाना पड़ेगा, जिस रेंज पे आपको पेस्ट करना है उस रेंज पे आपको आना पड़ेगा, समझे, A1 में पेस्ट करना है, और फिर आपको जो पेस्ट होता है पार्ट ऑफ सीट होता है, सीट्स सीट वन सीट टू या सीट्स डेटा जो भी है, एक्टिव सीट एक्टिव सीट भी कर सकते हो, वो सिलेक्ट है ऊपर, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, समझ गए। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल करोगे तो फिर इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेस्ट स्पेशल मेंबर है रेंज का, तो आप यहीं पे डायरेक्ट दे सकते हो कि शीट्स, शीट्स के अंदर में डेटा, डेटा शीट पे जाएगा, उसके रेंज, उसके रेंज A1 पे आएगा, और इसी पे पेस्ट स्पेशल कर दिया, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का मेथड समझ में आ गया? हाँ, ये सिलेक्शन का समझा नहीं, ये सिलेक्शन कहाँ से करेगा, मतलब जो भी सिलेक्ट करने का, जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा या फिर जो भी आपका जो सिलेक्शन मेथड जो मैं कल बताया था उसका इस्तेमाल करोगे ना आप कॉपी करवाने के लिए। ओके, तो मतलब ठीक है, चलेगा, समझा। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, कि फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, मतलब जो आपके होम मेनू बार के अंदर जो ये होता है फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, या फिर जो भी मेनू बार है, इसका कैसे करोगे? तो इसको सीखने के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इसकी रिकॉर्डिंग कर ले। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग करके थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है, ठीक है, तो देखिए मॉडल 3 में यहाँ पे सिलेक्शन डॉट बोल्ड फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, मुझे मान लीजिए साइज बढ़ाना है, यहां जाएगा सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 12, मुझे फॉन्ट का नेम चेंज करना है। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज देखिए कि विथ कमांड लगा दिया, जैसे आपने चेंज किया विथ कमांड लगा दिया, तो विथ कमांड में पूरे फॉन्ट आ गया आपको। अब बोलो ये विथ कमांड क्यों लगा,
तो क्या है यहाँ देखिए कि मुझे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट इक्वल टू साइज, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट इक्वल टू साइज इक्वल टू 12, ऐसे जितना भी देख रहे हैं ना वो सबके आगे मुझे सिलेक्शन लगाना पड़ता है। अगर मैं विथ ना लगाऊं, मैं यहां से विथ हटा देता हूं, तो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट इस सब पे मुझे लगे, समझे? तो विथ का कमांड होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे मेंबर या एक्शन को अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे मेथड अप्लाई करना चाहते हो, तो बार बार उस ऑब्जेक्ट को लिखने के बजाय विथ में एक और ऊपर डाल दो, फिर डॉट 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 करते चले जाओ। क्लियर है विथ कमांड? सिलेक्शन क्या हो गया कि भाई इस माइक्रो इस लाइन से पहले जो एरिया सिलेक्ट होगा ना, चाहे सिंगल सेल हो या एक पूरा सीट हो, तो सब पे अप्लाई, समझ गए? जो भी सेलेक्ट करेगा एक सिंगल सेल पे हो या पूरा सीट पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम डॉट साइज, यहाँ पे क्या फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हो, साइज डाल सकते हो। ये आता है स्ट्रिक थ्रू, जो बीच से काटते हैं ना, वर्ड को बीच से जो काट देता है वो आता है। ये आगा सुपर स्क्रिप्ट ऊपर करता है, सब स्क्रिप्ट नीचे करता है। या तो आउटलाइन डालना है नहीं डालना है, शैडो डालना है कि डालना है, अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, और एक कलर होता है कि थीम कलर क्या होगा, शेड क्या होगा और थीम फॉन्ट क्या होगा। तो ये रिकॉर्डिंग के थ्रू आ जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू जो अभी जरूरी नहीं कि सारा चाहिए, जो जरूरत है वही आप लगाओ, सब डालने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो फॉन्ट समझ में आ गया? अब फॉन्ट के बाद जो है हम आते हैं इस पे, फॉन्ट के बाद आते हैं हम यहां अलाइनमेंट। चलिए अलाइनमेंट पे भी आप पढ़ते हैं, जैसे मैं समझो देखिए अलाइनमेंट में दो है, एक हमारा है वर्टिकल अलाइनमेंट, दूसरा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल जनरल, वर्टिकल अलाइनमेंट एक्सेल सेंटर। तो ऊपर वाला अगर आप करते हो तो ये आपका आता है बॉटम सेंट्रल मिडल, इसको बॉटम मिडल, और ये आपका आता है सेंट्रल होता है, मिडल नहीं सेंट्रल होता है, सेंट्रल, और ये आपका होता है टॉप। तो यहाँ पे आपको एक्सेल सेंट्रल के जगह पे देना पड़ेगा। ये होता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है? तो अपने हिसाब से दे सकते हो। रैप टेक्स्ट करना है तो ट्रू अवे फॉल्स, हॉरिजॉन्टल मतलब कि अगर आपको किसी वर्ड को उसका जो ये होता है ना एंगल, एंगल को चेंज करना चाहते हो जितने डिग्री पे, तो वो ओरिएंटेशन कहलाता है। एड इंडेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा और हम यहाँ से एन इंडेंट भी करते हैं ना, एक स्पेस एक एक स्पेस आगे पीछे करते हैं, तो करना है और कितना करना है, सीम टू फिट, एक ही जितना वाला साइज है उसी में आ जाए, सीम टू फिट हो जाएगा, और रीडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। और आता है मर्ज सेल, सेल्स को मर्ज करना है या नहीं मर्ज करना है, या तो इसमें से आप देख लो जो आपके जो समझना है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर। उसके बाद ये हो गया हमारा अलाइनमेंट, तो हमने अलाइनमेंट कर दिया। अब बात करते हैं बॉर्डर में कि बॉर्डर अप्लाई करना है। तो अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है ना सर, तो बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज, एक तरीका ये है सिंपल तरीका कि ए वन से लेके सी 15 ये जो भी एरिया है जो सिलेक्शन है वो ले लीजिए, डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो ये ऑल कंटिन्यूस बॉर्डर कर देता है, ठीक है? लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा सा झमेला हो जाएगा,
रिकॉर्डिंग करोगे तो ये देखिए ये आ गया। तो सबसे पहले इसने सारे बॉर्डर को नन किया, ठीक है। अभी क्या होता है कि बॉर्डर जब आप करते हो, जब भी बॉर्डर लगाते हो, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर बॉर्डर लगाते हो तो ये आपके कई पार्ट है आपका, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये आपका मिडल है, इनसाइड लेफ्ट है, इनसाइड राइट है, इनसाइड मिडल है, समझिए ना, बहुत सारे टाइप। हाँ, तो ये सारा चीज आप अपने हिसाब से लगा सकते, ठीक है। तो इसकी लाइन बनती है। तो यहां जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि हम एक्सेल कंटिन्यूस लगा देते, ये ऑल ओवर बॉर्डर पे अप्लाई होता है। लेकिन मुझे राइट चाहिए तो मुझे यहाँ पे राइट लिखना पड़ेगा, लेफ्ट चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए ना, अगर ऊपर की चीज हटा दी, अगर नन कर दिया हुआ है, मतलब बॉर्डर हटा दिया हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट में एक्सेल कंटिन्यूस मतलब वन, उसका उसका कलर क्या डालना है और उसका उसकी थिकनेस विड्थ है या हाई, थिक एंड थिन एंड थिक आता है, मोटा करना है, थिक और थिक कर सकते हो ऐसे, टॉप बॉटम। तो इसको भी आप रिकॉर्ड करके एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बॉर्डर्स का, ठीक है, बॉर्डर्स में आ गए। अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। तो मान लीजिए किसी डेटा पे आपको, किसी सेल्स पे आपको नंबर की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, नंबर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए लिखते हैं रेंज A1 से लेके A1 पे नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेट डॉट नंबर फॉर्मेट हो गया इक्वल टू, यहां पे जैसे मुझे डेसिमल्स देना है तो डेसिमल्स आ जाएगा, अगर मुझे परसेंटेज डालना है तो परसेंटेज सिंबल, मतलब जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं ना आप, यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं, एक कोड आप वहां डाल दीजिए, आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। दो मिनट उसको आप रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, जैसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना, प्रोटेक्शंस करना, फिल्ड करना, फिल्टर करना, पिवट लगाना, तो आप क्या करेंगे कि जितने भी मेनू बार के अंदर ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस को एक बार रिकॉर्ड करके अप्लाई करेंगे और उसका कोड समझेंगे, जो कोड समझ में नहीं आएगा उसको मुझसे पूछेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी, ठीक है। तो आपका तीन टॉपिक कवर हो गया, मतलब आपका मैंने फॉर्मेटिंग कवर कर दिया, मैं आपकी कंडीशंस को कवर कर दिया और आपको मैंने डेटा टाइप को कवर कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है लूप। तो लूप का बेसिक पार्ट समझें, एडवांस पार्ट फिर हम आगे क्लास में समझेंगे। लूप का इस्तेमाल होता है कि हमें एक ही कोड को कई बार रिपीट करना है, जैसे कि यहां पे रोल नंबर, यहां पे मैं मार्क्स कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं टोटल और यहां पे सम का मान लगा देता हूं, एक छोटा सा स्टिकर है, राइट। अब मुझे इस स्टिकर को 8 या 10 बार 20 बार कॉपी पेस्ट करना होता है, 8 या 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, समझे। तो इसके लिए हम लोग माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक नया मॉड्यूल मोड, हाँ इसी पे आते हैं, यहां पे करते हैं सम RR _2। अब यहां पे जैसे कि हमने कर दिया रेंज A1 से C5 डॉट कॉपी, ठीक है। अब पेस्ट कहां करना है, मुझे एक रो छोड़ के यहां करना है, तो यहां पर लगाते हैं रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 2,0 डॉट पेस्ट स्पेशल और पेस्ट ऑल, या पेस्ट जो भी कर लीजिए पेस्ट ऑल कर देते हैं। तो ए क्या होगा कि एक बार पेस्ट करेगा, राइट। मुझे ऐसे इसको 10 बार कराने हैं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे,
इसको 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? तो एक टीडीएस जॉब हो जाएगा कि 10 बार कॉपी पेस्ट करना। तो हम इसको लूप में डाल देते हैं। तो यहां पे हम लूप में देते हैं कि 4 i इक्वल टू चले 1 to 10 और नेक्स्ट i। अब i क्या है? i काउंटर है कि लूप कितना बार चल रहा है। i के ऊपर स्टोर होता है, i भी एक इंटीजर है, एक डेटा टाइप है, राइट। इसके ऊपर 4 काउंट रखता है कि भाई हम कितना बार चल चुके हैं और नेक्स्ट चेक करता है कि हम अपनी मैक्सिमम लिमिट को पार किया कि नहीं किया। समझे? मैक्सिमम लिमिट को हमने पार किया कि नहीं किया उसको चेक करता है। ये पूरा अपने नीचे के लिए लगाया था, वो समझ नहीं आया। अगर नीचे लगाते तो क्या होता? कहां नीचे? तो रेंज का अपने नेक्स्ट आई लिखा है ना, उससे पहले नहीं लगा सकते क्या? आई लिखा उससे पहले क्या लगा सकता? हाँ, वो पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा आप बता रहा हूँ कि आपने रेंज लिखा A1 से लेके A5 लिखा, फिर पूरा रेंज का फॉर्मूला लिखा कि अप एंड डाउन करके होएगा, तो उसके बाद में आपने लिखा नेक्स्ट आई, तो उससे पहले 4i नहीं ले सकते? जरूरी स्टार्टिंग में लिखना है क्या ये? नहीं नहीं, देखिए आप नहीं समझे कि जिस 4 के अंदर में, इसके अंदर में 4 और नेक्स्ट के बीच में जो भी कोड है उसको 10 बार रन करेगा क्योंकि 10 दे रखा है। तो जिस लाइन, आप जैसे देखिए कॉपी 10 बार कराने की जरूरत नहीं, तो कॉपी को यहां से बाहर कर सकते हैं। समझे? हाँ। तो आपको ध्यान रखिए कि किस पार्ट को मुझे रिपीट करना है। अब जैसे कि हम आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग मुझे लिखनी है यहां पे, ठीक है? तो इसके लिए हम सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट RR/3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहां लिखता हूं कि 4 i इक्वल टू चले 1 to 100 तक, ठीक है? और रेंज हम यहां पे, रेंज हमने यहां बोला कि a के साथ हमने कंबाइन कर दिया i डॉट वैल्यू इक्वल टू i, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला, हाँ मैंने आपको क्या बोला कि एक वेरिएबल है जिसपे काउंटिंग स्टोर होती है, जब पहला बार चलेगा तो i का मान 1 होगा, तो a और 1 मिलके a1 मिल जाए, बन जाएगा। समझे? अच्छा, तो अब बोलिए जो साइन लगाया मैंने, वो समझ नहीं आया मुझे। क्या साइन लगाया? कंबाइन करने के लिए। हाँ, जैसे कि साइन है ना, ये तो एक्सेल में लगाते हैं हम ना। जैसे एक्सेल में मान लीजिए कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो एक्सेल में तो सेम करते हैं हम। इसको सेलेक्ट किया वो ठीक है, पता नहीं कर दिया ये जो साइन है ना, वो साइन समझ में आया। कौन सा कीबोर्ड, कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड कौन सा? अरे एन परसेंट का 7 में, शिफ्ट के साथ 7 नहीं आता है, जो एन परसेंट जो एक्सेल में करते हो, वही होता है। ओके, एन परसेंट है क्या वो? हाँ, एन परसेंट है। ठीक है, फिर अलग ही टाइप से बना हो, थोड़ा सा हो दिखता है अभी। ये देखिए 1 से लेकर 100 तक लिख दिया इसने। हाँ, अब जरूरी ये नहीं है कि आप 1 से ही स्टार्ट करें, राइट। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एच पे सीरियल नंबर लिखना है, लेकिन मुझे सीरियल नंबर एच पे स्टार्ट करना है 9 से, तो यहाँ पे लूप हम लगा देंगे कि 9 to 109। समझिए, तो एच है ना, यहाँ पे एच हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे दिक्कत हो गया कि i 1 से हो गया, तो यहाँ पे काउंटिंग करवाना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कि a d इक्वल टू d प्लस 1 और यहाँ पे इसको d कर देते हैं। समझे?
तो लूप समझ में आया आपको? तो लूप का बेसिकली दो तरह का होता है, एक लूप होता है हमारा फोर जिसके अंदर, और एक होता है डू। तो फोर लूप के दो पार्ट है, फोर इच सॉरी फोर आई एंड फोर इच, और डू के दो है वाइल और अंटिल। ठीक है सर? ओके, अंटिल। हाँ अंटिल। तो फोर आई के अंदर में हमें देना होता है पोजीशन के स्टार्टिंग टू एंडिंग, फोर इंच के अंदर में देना पड़ता है ऑब्जेक्ट जैसे कि एक सिलेक्टर रेंज है या जिसे नंबर वर्कबुक है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और डू में देना होता है कंडीशन कि जब तक ये कंडीशन मिलता रहे तब तक ये चले। इसके बारे में बाकी में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाइए।